देख रहे हैं फोर पिलर लाइफ। कोरोना संक्रमण के कारण बड़ी बेरोजगारी, पलायन और आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले के लिए फॉर्म भरने की अवधि अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी करीबन 4 लाख छात्र छात्राओं ने फॉर्म नहीं भरा, जबकि 2022 की मैट्रिक परीक्षा में भाग लेने के लिए लगभग 17 लाख छात्र छात्राएं रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, बावजूद इसके अभी सभी का फॉर्म नहीं भरा गया है। हालांकि कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म नहीं भरा है इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन बोर्ड परीक्षा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यह संख्या 25 से 30% तक हो सकती है, यानी ये सारे विद्यार्थी 2022 की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने से अब वंचित रह जाएंगे। आपको बताते चले कि इन सभी के अलावा विगत कई वर्षों से यह संख्या महज 50 से 60 हजार ही रहती थी। समिति की ओर से 2 नवंबर से 3 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म भरने का अंतिम अवसर दिया गया था। अकेले मुजफ्फरपुर के 7,331 छात्र मैट्रिक परीक्षा फॉर्म नहीं भर सके हैं। निबंधित कुल 46,267 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो महज 41,000 ने परीक्षा फॉर्म भरा है। यही स्थिति करीब करीब सभी जिलों की है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 14 अगस्त 2021 से परीक्षा फॉर्म भरने की शुरुआत की थी। इसके बाद से 3 नवंबर 2021 तक कुल 8 बार परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि विस्तारित की गई, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा। अंतिम तिथि के बाद भी बोर्ड प्रशासन की ओर से मौका दिया गया। समिति ने इस पूरे मामले की जाँच की और बावजूद इसके नोटिस जारी करने के बाद भी समीक्षा लिया और बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा। आप देखने वाली बात होगी कि इन बच्चों के फॉर्म भरने के लिए वापस से कुछ तिथि दी जाती है या फिर बच्चे इस बार एग्जाम देने से वंचित रह जाते हैं। ये सारी बातें तो देखने वाली होगी, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल फोर पिलर लाइफ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को करें लाइक, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।